पर्यावरण के एक महत्वपूर्ण अध्याय है इकोलॉजी और इकोलॉजी सिस्टम, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र। जब बात पर्यावरण की होती है तो यहां से आपके परीक्षा में जरूर से जरूर सवाल पूछे जाते हैं, या यूं कह सकते हैं या जरूर से आपकी परीक्षाओं में सवाल आते हैं। हम बात करते हैं पारिस्थितिकी की, हम बात करते हैं इकोलॉजी की। जब हम बात पारिस्थितिकी इकोलॉजी की करते हैं तो हमारे मन में ढेर सारे सवाल आते हैं कि पहली बार ओर्निओकोलॉजी शब्द का जो प्रयोग था अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में किया था, जो जर्मन के थे, ये किसका अध्ययन करता है, इसके डायग्राम, मतलब एक डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम को देखने के बाद, इस चित्र को देखने के बाद आप पारिस्थितिकी को किस तरह से समझ सकते हैं। वैसे पारिस्थितिकी अलग है, पारिस्थितिकी तंत्र भी अलग है। ये पूरी पीपीटी आपके पढ़ाने के लिए, आपको पढ़ने के लिए है और मेरे पढ़ाने के लिए तैयार की गई है। जब आप इसकी नोट्स पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इससे इतर मिलेगा, हो सकता है कुछ टॉपिक ज्यादा कुछ टॉपिक कम मिले, लेकिन जब अध्ययन करेंगे हमारे साथ क्लास में पढ़ेंगे तो चीजें थोड़ा सा ज्यादा पढ़ने को मिलने वाली है। और ये निःशुल्क क्लास मेरे द्वारा आप सभी के लिए देशहित में राष्ट्रहित में समर्पित है। अगर हम इस पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें, पूरे ये डायग्राम माइंड मैप कॉन्सेप्ट पे पूरा ये नोट्स है, ये पूरी वीडियो सीरीज होगी। अगर हम इस पारिस्थितिकी तंत्र को ऊपर पहले थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो पारिस्थितिकी जीवों, पर्यावरण और कैसे एक जीव दूसरे जीव और उसके पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं का एक अध्ययन है। मतलब यहाँ पर चित्र को देखिए, अभी बहुत सारी चीजें अपने आपके लिए, मैंने एक जीव दूसरे जीव के ऊपर कैसे आश्रित होता है, कैसे अंतर्क्रिया करता है, किस तरह इस पूरे सिस्टम को बनाए रखता है, मैंने इस इकोलॉजी को हम जब पूरे सिस्टम के साथ अध्ययन करते हैं तो इकोलॉजी सिस्टम हो जाता है। आगे हम इसे और क्लियर करने का प्रयास करेंगे। अब हमने देखा कि इसका अध्ययन विभिन्न स्तर पर किया, जिसका जो अध्ययन है वो विभिन्न स्तरों पर अलग अलग किया जाता है। जैसे जीवों के रूप में, जीवों को भी इकोलॉजी होती है, जनसंख्या के रूप में, फिर समुदाय के रूप में, जीव मंडल के रूप में, और एक टॉपिक ही दिख रहा है पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में। अब यहाँ पर एक शब्द भी आपको फिर से मिल जाएगा जो आपने सुना या जो आपने पढ़ा था कि 1869 में ये जर्मन के थे अर्नेस्ट हैकल। हो सकता है कई बार आपको टाइपिंग एरर मिल जाए या प्रोनाउंसिएशन में आपको थोड़ा सा अंतर मिल जाए या आपने कुछ अलग पढ़ा हो, इसलिए ध्यान दीजिएगा इस पूरे कड़ी में। 1869 में अर्नेस्ट हैकल ने एक नया शब्द ओइकियोलॉजी नाम दिया, जिसमें जीवों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को परिभाषित किया गया। माने कोई जीव है, उन जीवों के पर्यावरण के साथ, ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण के साथ, जीवों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को परिभाषित किया गया। जब इस वीडियो सेशन में, इस सीरीज में जब हम और आगे कदम दर कदम बढ़ेंगे तब ये कॉन्सेप्ट भी आके क्लियर हो जाएंगे और ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे एक जीव का पर्यावरण के साथ संबंध होता है। एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको दें, शायद आप समझ जाएंगे। अगर एक कुत्ते का उदाहरण लें, अगर कुत्ता भूमध्य रेखीय क्षेत्र में या आपके यहाँ आसपास होगा, उसके छोटे छोटे बाल होते हैं, लेकिन जैसे ही वो ठंडे प्रदेशों में चला जाता है, जैसे ठंडे प्रदेशों में जब जाता है जहाँ पे बर्फ जमी रहती है, वहाँ कुत्तों के इतने बड़े बड़े बाल होते हैं। अब आप कह देंगे, अरे सर वहाँ पे नाई नहीं होता इसलिए उनके बाल बड़े बड़े होते हैं, यहाँ पे नाई होते इसलिए उनके बाल छोटे छोटे होते। जी नहीं, वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, उनको सर्वाइव करने के लिए उनके बाल बड़े बड़े होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर नॉर्मल होता है इसलिए उनके टेम्परेचर अधिक होता है इसलिए उनके बाल छोटे छोटे होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तमाम एग्जाम्पल, मैंने छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिया जो ये बताते हैं कि पर्यावरण के साथ जीवों का अंतर संबंध क्या हो, कैसे होता है, इसी के अध्ययन के बारे में किसने, अर्नेस्ट हैकल जी ने बताया था। आगे हम चलते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर दे जिसका यहाँ पर जिक्र भी नहीं था, फिलहाल मैंने दे दिया। तो यहाँ पर इस डायग्राम के माध्यम से आप चीजों को समझ सकते हैं और देख सकते हैं। अभी मैं आगे जब पढ़ा लूंगा तब ये डायग्राम आपको पूरी तरह समझ में आएगा इस चित्र में क्या कह रहा है। अब पारिस्थितिकी के कुछ शब्दावलियां हैं जो आपको याद करनी है, ठीक, आपको याद करनी है, रटनी है। अब हम पारिस्थितिकी की बात करें तो पारिस्थितिकी शब्द जर्मन प्राणी विज्ञानी, जो जर्मन के प्राणी वैज्ञानिक थे, अर्नेस्ट हैकल द्वारा दिया गया था। ये ऊपर आप लोगों ने पढ़ लिया, एक नंबर में प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि प्रश्नों का ट्रेंड बदल रहा है, कूट वाले सवाल पूछे जाते हैं। अब नए ट्रेंड से हम लोग को पढ़ना है, समझना है चीजों को, इसलिए एक ही जगह आपको मिल जा रहा है सारी चीजें। तो पारिस्थितिकी शब्द जर्मन के जो प्राणी वैज्ञानिक थे, प्राणी वैज्ञानिक की बात देखिए, अर्नेस्ट हैकल, ठीक, ये यूजीन ओड्यूम आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न इकोलॉजी के जनक यूजीन ओड्यूम, रट लीजिएगा, इसलिए बायलिंगुअल, यहाँ पर आप ऊपर देख पाएंगे, जहां आपको लगेगा कि नहीं कोई चीज आपको समझने में असुविधा हो रही है तो ऊपर भी आप
देख सकते हैं। फिर हम लोगों ने यहां पे देखा कि चार्ल्स एल्टन को पशु पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है, माने ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर हमने देखा कि तुरेजो एक स्वीडिश विकासवादी वनस्पति शास्त्री थे जिन्होंने पारिस्थितिकी की आनुवंशिकी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने इकोटाइप और एमोस्पाइस जैसे शब्दों का नाम दिया। तो इस सब तथ्यों को हम आगे पढ़ेंगे, कूट के रूप में पूछे जाते हैं, कुछ इसमें नए टॉपिक नए प्रश्न भी आपको मिलेंगे, चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट करते चले या जो नोट्स है वो इलेनी बी दुर्गेश के टेलीग्राम में ऐप से आपको मिल जाएगी। अब हम लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे कि रेमंड लिंडमैन 1942, इनको भी आगे पढ़ने को मिलेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10% ऊर्जा के नियम इन्होंने ही दिया था, लिंडमैन भी कहा जाता है इन्हें, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके परीक्षाओं को लेकर। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द दिए जाने केवल 6 साल बाद रेमंड लिंडमैन ने इकोलॉजी पत्रिका को पारिस्थितिकी का ट्रॉफिक डायनामिक पहलू अपनी पीएचडी थीसिस का अंतिम अध्याय प्रस्तुत किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो इन्हें लिख सकते हैं, आप चाहे याद कर सकते हैं। इन्होंने ऊर्जा के 10% का नियम भी दिया था, एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में जब जाती है ऊर्जा तो उसका 10% क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है। ठीक, 90% ह्रास हो जाता है, 10% ऊर्जा ट्रांसफर होती है, यह लिंडमैन का नियम था, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, यहां तक उम्मीद करते हैं अपने तथ्य को समझ और पढ़ लिया। आगे पारिस्थितिकी को फिर से देखते हैं। अब जो हमारा पारिस्थितिकी दो तरह से दिखता है, एक है पारिस्थितिकी तंत्र, अब यानी कि इकोलॉजी है। अब हम पारिस्थितिकी तंत्र को दो भागों में वर्गीकृत करते हैं, अभी तक हमने पारिस्थितिकी पढ़ा, पारिस्थितिकी तंत्र को दो भागों में डिवाइड किया, एक है जैविक दूसरा है अजैविक। जैविक का नाम लेते ही आपके मन में आ जाना चाहिए जिसमें क्या होता है, जीवन होता है। इसमें क्या होता है, जीवन होता है। जीवन किसमें होगा, दुनिया के जितने भी पादप है, दुनिया के जितने भी पादप आप जानते हैं जिन्हें पेड़ पौधे के रूप में कह सकते हैं, मतलब जितने भी पादप हैं अर्थात पेड़ पौधे जिनमें जीवन है उसे हम जैविक कहते हैं। ठीक, अब अजैविक क्या है, इसके साथ साथ सभी जितने भी जीव जंतु हैं, इसमें मानव भी आ जाते हैं। तो जितने भी पादप हैं पेड़ पौधे और जीव जंतु ये जैविक कहलाते हैं, बायोटिक कहलाते हैं, इसमें जीवन होता है। अब दूसरा जो है अजैविक है, अजैविक की बात करें तो इसमें देखिए अब क्या क्या होता है, जल है, वायु है, इसमें जीवन होता है, मृदा है, मृदा माने जिसे आप मिट्टी के नाम से जानते हैं, जल है, वायु है, मृदा है। अब सूर्य का प्रकाश जो सौर ऊर्जा का प्रतीक है, तो यहां पर आदि जो है ये सब अजैविक है, इसमें जीवन नहीं है, लेकिन इनके अंतर संबंधों को, इनके दोनों के अंतर संबंधों को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ये एक दूसरे से कैसे आश्रित हैं, इन दोनों के बीच के अंतर संबंध जो है, जिनके गहन आपस में जो बांड है, ये समझ सकते अंतर संबंध जो है एक दूसरे से कैसे आश्रित है, कैसे एक दूसरे पर के बिना एक अधूरा रह जाएगा, इसी के संबंध को हम पारिस्थितिकी तंत्र इकोलॉजी सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे, इकोसिस्टम, या इकोलॉजी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। आइए अब उस तथ्य को भी हम लोग देख लेते हैं। अब जैविक आपके सामने आ गया, जैसे ही आपके मन में जैविक आया होगा एक डायग्राम आपको इस साइड दिख रहा होगा, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए और जो मैंने बताया है अब उसे जरा याद करिए। मैंने क्या बताया कि जैविक घटक एक पारिस्थितिकी तंत्र की जीवित कारक है जिनमें जीवन होता है, जिसमें क्या होता है, जीवन होता है, इसमें क्या होता है, जीवन होता है। अब जैविक घटक के कुछ उदाहरण है जिसमें जीवाणु है, जानवर है, पक्षी है, कवक है और पौधे है, माने जिनमें जीवन होता है वे सब क्या कहलाते हैं, जैविक घटक कहलाते हैं। कौन से घटक कहलाते हैं, जैविक घटक कहलाते हैं। अब इन जैविक घटकों में देखेंगे प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, डिकम्पोजर है। अगर हम बात करें प्रोड्यूसर माने ये उत्पादक है, ये क्या है, उत्पादक, ये इन्हें यूं कह सकते हैं जितने भी उत्पादक हैं इन्हें एक लाइन में अगर हम कहें तो पेड़ पौधे आते हैं।
माने ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं हम उन्हें उत्पादक कहते हैं। कैसे बनाते हैं? सूर्य की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और उससे अपना भोजन बनाते हैं, उसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। तो पूरे पृथ्वी पर जितने भी पादप पेड़ पौधे होते हैं वो प्रोड्यूसर कहलाते हैं। कंज्यूमर ये उपभोक्ता है, ये इस पर आश्रित होते हैं, किस पर? प्रोड्यूसर पर। अब इन्हें हम उपभोक्ता कहते हैं, क्या कहते हैं? उपभोक्ता भी तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जो सीधा इन पर आश्रित होते हैं, जिन्हें हम शाकाहारी कहते हैं, फिर एक मांसाहारी होता है, फिर एक सर्वाहारी होता है, फिर एक होता है डिकम्पोजर होते हैं। तो यहां पर अगर मैं चाहूं तो पूरा मैं आपको समझा सकता हूं कि जैविक और अजैविक एक दूसरे पर कैसे आश्रित हैं। अब देखिए इनको जीवन कहां से मिलता है, ये जीवित कब रहेंगे? इनके लिए अजैविक घटक चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, मिट्टी चाहिए, मृदा, वायु चाहिए जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो, और जल चाहिए खनिज लवण मिनरल के लिए। माने अजैविक घटक से ही अपना भोजन बनाते हैं और जीवन लेते हैं। और इनको कौन खाते हैं? शाकाहारी, वो अपना पेट पालते हैं। शाकाहारी कौन खाते हैं? मांसाहारी। मांसाहारी के ऊपर सर्वाहारी है। और जब मान लीजिए ये दोनों मर जाते हैं, उन दोनों के अंदर विटामिन खनिज लवण मिनरल उनको अलग अलग करने का काम ये डिकम्पोजर करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, शायद आप समझ जाएंगे। जैसे ये पेड़ था, आपने कोई पेड़ लगा दिया, जैसे सपोज दैट आपने यही केले का पेड़ लगा दिया, दिख रहा होगा केले का पेड़, आपने केले का पेड़ लगा दिया या एक आम का पेड़ लगा दिया। जब आम का पेड़ आपने लगा तो जैविक घटक हो गया, कुछ दिन के बाद वो पेड़ गिर गया। तो गिरने बाद क्या होता है, जैसे पेड़ सड़ जाए, गिर जाए, काट दो, एक दो साल, तीन साल, पांच साल, दस साल, बीस साल बाद वहां पेड़ दिखेगा? जैसे ही पेड़ गिरा तुरंत डिकम्पोजर लग जाएंगे, उसे चलनी कर देंगे, और कुछ दिन बाद वहां जमीन दिखेगा, कुछ दिखाई नहीं देगा। सपोज दैट एक घास यहां पर है, उस घास को कोई गधेया ही खा गई। गधेया जानती है आप लोग, गधा या गधेई, गधेया खा गई घास, तो वो क्या हो गई? कंज्यूमर हो गई। अब जब गधेई घास खाएगी, खनिज लवण भी गया, ये अपना भोजन बनाए, अब गधेया मर गई। जब गधेया मर जाएगी तो पहले मोटी होगी, फिर पतली होगी, फिर वहां गायब हो जाएगी। गधेई देखिए एक महीने, दो महीने बाद, तीन महीने बाद गधेई दिखेगी? नहीं दिखेगी, हड्डी दिखेगा। कुछ सालों बाद जाइए, सौ साल, दो दो साल बाद हड्डियों नहीं रहेगा। तो हुआ क्या, अब फिर से वो मिट्टी में मिल गया। डिकम्पोजर जो थे वो तुरंत क्या करते हैं, डिकम्पोज करने का काम करते हैं। जैसे किसी घर अगर किसी की डेथ हो जाए फैमिली में, कहते जल्दी जल्दी इसको जलाइए, दफनाइए, क्यों? तुरंत डिकम्पोजर लग जाते हैं। कुछ देर अगर रुक जाएंगे तो बॉडी से दुर्गंध आएगी, बॉडी फूलेगी, फिर पचकेगी, फिर गायब हो जाएगी। तो उसमें क्या लगते हैं, डिकम्पोजर लगते हैं। पर ये डिकम्पोजर क्या करते हैं, इनका काम यही है, ये अपघटक कहलाती है। अब हिंदी में से अपघटक कहते हैं, जो ये अपघटक होते हैं, इनका काम ही यही है सबको तोड़ तोड़ के अलग करना। और फिर तोड़ कहां पे, फिर मिट्टी जमीन पे दे देंगे, फिर जमीन से पादप आएंगे, पादप को शाकाहारी खाएगा, शाकाहारी को मांसाहारी, सर्वाहारी दोनों को सबको खाएंगे, फिर ये सब मरेंगे, फिर डिकम्पोज होंगे, फिर चलेंगे। इस प्रकार जैविक और अजैविक घटक एक दूसरे पर आश्रित है, इनके बीच के अंतर संबंध को ही हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इसी को हमें आगे पढ़ना है, आगे हम लोग जिक्र करेंगे और अच्छे तथ्य को, थियोरी को पढ़ेंगे। फिलहाल पहली दृष्टिकोण से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, प्रथम दृष्टया। अब आगे आते हैं अजैविक। अब अजैविक जैसे ही मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा अजैविक है क्या। अब तो नहीं लगता आपको अजैविक भूल गया होगा। अब देखिए मैंने यहां पे बता, देखिए सॉइल, सॉइल माने मिट्टी, लाइट रेनफॉल माने वर्षा, रॉक्स चट्टान, वाटर पानी, एयर हवा, टेम्परेचर तापमान, पीएच एक स्केल है। तो ये अजैविक घटक, इसमें जीवन नहीं है, इसमें जीवन, और जिसमें जीवन नहीं है वे सब अजैविक कौन से घटक कहलाते हैं, अजैविक घटक कहलाते हैं। कौन से घटक कहलाते हैं, अजैविक घटक कहलाते हैं। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आपके जानकारी के लिए। अजैविक घटक एक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्जीव रासायनिक और भौतिक कारक है। ये कैसे है, एक निर्जीव रासायनिक और भौतिक कारक है। ये अजैविक घटक एक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्जीव रासायनिक और भौतिक कारक है। ये निर्जीव है, इनमें जीवन नहीं है। इनके घटक वायुमंडल है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, स्थल मंडल है जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं, जल मंडल है जिसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं अंग्रेजी में। ये किया जाता है, मतलब एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर,
माने वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल से प्राप्त किया जा सकता है। इन अजैविक घटकों के उदाहरण में सूर्य का प्रकाश, मिट्टी, वायु, नमी वाले खनिज आदि शामिल है। माने जिनकी वजह से ये सर्वाइव करते हैं, कौन? जैविक घटक। जीवित जीवों को जैविक घटकों में बांटा गया है, जबकि निर्जीव घटकों को अजैविक घटकों में बांटा गया। माने जो सजीव हैं वो सब जैविक घटक कहलाते हैं, जो निर्जीव हैं वो अजैविक घटक कहलाते हैं। सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का भी स्रोत है। सूर्य का प्रकाश, पानी, स्थलाकृति को अजैविक घटक के तहत सूचीबद्ध किया गया, आप समझ जाएंगे। अब आते हैं जैवमंडल। जैवमंडल को कहते हैं बायोस्फीयर। क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। आइए इसको एक एग्जांपल, एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन पहले इसके तथ्य को हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि जैवमंडल, बायोस्फीयर, पृथ्वी के उन हिस्सों से बना है जहां जीवन मौजूद है। मतलब जैवमंडल, बायोस्फीयर, पृथ्वी के उन हिस्सों से बना जहां पर जीवन मौजूद है। अब यहां देखिएगा, बायोस्फीयर पेड़ों की सबसे गहरी जड़ प्रणाली से लेकर समुद्र के खाइयों के अंधेरे वातावरण तक, हरे वर्षा वनों और ऊंचे पहाड़ों की चोटियों और संक्रमण क्षेत्रों तक फैला है। आइए इसको समझते हैं, ये थ्योरी आपको समझ में आ जाएगी। जैसे ये जमीन है, देखिए लिथोस्फीयर, लैंड लिखा है ना, ये लिथोस्फीयर है। इसका मतलब यह स्थल मंडल है। जमीन की वह अधिकतम गहराई जहां तक कोई जीव प्राकृतिक रूप से जीवित रह पाए। आप कहेंगे जमीन के अंदर कोई जीव कैसे जीवित रहेगा? चूहा जानते हैं, जो मूस, चूहा जानते हैं मूस, वो जमीन के अंदर जितनी गहराई तक रहता है, क्या वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाता है? सांप, बिच्छू, बहुत सारे जानवर होते हैं जमीन के अंदर रहते हैं। तो जमीन की वो अधिकतम गहराई जहां तक कोई जीव जीवित रह सकता है उसे क्या कहते हैं? या का जीव मंडल। हवा की अधिकतम वो ऊंचाई जहां तक कोई जीव जीवित रह सकता है स्वतंत्र रूप से। इस जल की, समुद्र की वह अधिकतम गहराई जहां तक कोई जीव जीवित रह सकता है। जहां तक इस पूरे पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है या जीव सरवाइव कर सकता है उसे ही हम क्या कहते हैं? जैवमंडल कहते हैं। उसे ही हम बायोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? हम उसे बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। यही हमारा बायोस्फीयर। माने किसी भी जीव के, जंतु के जीवित रहने की स्वतंत्र रूप से जहां तक अनुकूल दशाएं मिलती हैं हम उसे जैवमंडल कहते हैं। ये स्थल मंडल का जैवमंडल, जल मंडल का जैवमंडल, वायुमंडल का जैवमंडल, इस प्रकार हम देखें इतना मिलाकर हमारा बायोस्फीयर हुआ। ठीक, उम्मीद करते हैं यहां तक के तथ्य आपको समझ में आ चुके होंगे। फिलहाल अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी मित्रों को शेयर और साझा करेगा। अब इसकी थ्योरी पढ़िए, अपने आप समझ में आ जाएगी कि ये बायोस्फीयर है क्या। ये तो किताबी भाषा की तरह से हो गई। ठीक, आगे आते हैं। अब पाथित्की का अनुक्रमण, ये अनुक्रमण क्या है इसको भी जान लेते हैं। माने पाथित्की अनुक्रमण एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक जैविक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। क्या कहते हैं? एक ऐसा समुदाय है जो एक को दूसरे से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। कैसे, भी समझते हैं। पाथित्की के अनुक्रमण की बात करें, पांच चरण होते हैं, नग्रता, प्रवासन, प्रतिस्पर्धा और अवस्थापन, अस्थायीकरण, चरम समुदाय या अस्थायीकरण। ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इनका क्रम भी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि इसे क्रम रूप से नंबरिंग करिए। ये दोनों या करके हैं, ये और कहके हैं, तो इसे आप चाहे तो स्क्रीनशॉट रख लें, चाहे इसे पढ़ लें, क्योंकि यह क्रम ही आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप लोग, आपकी मर्जी। वैसे इनके बारे में कोई खास नहीं, यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं आते, जो आते थे वो मैंने वहां से आपको बता दिए, समझा दिए। अब है पाथित्की अनुक्रमण जो था, जिसको हम लोगों ने पढ़ा है, अब उसी को और समझने का प्रयास करते हैं। अब ये कह रहा है कि पाथित्की क्षेत्र में स्थिरीकरण का तात्पर्य विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर स्थिरीकरण से परतों में वनस्पति की व्यवस्था। अब बड़े पैमाने पर वनस्पति की परतों या परत को अलग अलग ऊंचाइयों के अनुसार वर्गीकृत करते हैं। जैसे ऊंचाई पर जब हम बढ़ते हैं तो वनस्पतियों के प्रकार भी क्या होते, बदलते जाते हैं। मरुस्थली क्षेत्र में जाइए, मैदानी क्षेत्र में जाइए, पर्वतीय क्षेत्र में जाइए, तो वनस्पतियों के प्रकार बदलते हैं बड़े पैमाने पर। एक स्थली परितंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग 1% ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यह आपके परीक्षा में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। आप चाहें तो इसे अपने पास रख सकते हैं। ठीक, यहां भी एकदम साफ लिखा है कि एक स्थली परितंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का 1% ही ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं।
अब यहां पर देखिए बायोम, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बायोम, बायोम विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों का संग्रह है जो समान जलवायु परिस्थितियों को साझा करता है, जो एक समान जलवायु परिस्थितियों को साझा समझन समझाने का काम करता है। अब यहां पे देखिए मैरीन बायोम है, टैगा बायोम है, सवाना है, ग्रासलैंड है, सवाना घास का मैदान है, ठीक है, चार्पल बायोम है, रेन फॉरेस्ट है, डेजर्ट बायोम है, टुंड्रा बायोम है, ग्रासलैंड बायोम है, मैरीन बायोम है, ठीक, तो फ्रेश वाटर बायोम है। तो ये बायोम की जब हम बात करते हैं पूरे पृथ्वी पर, तो बायोम विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों का संग्रह है जो समान जलवायु परिस्थिति को क्या करती है, साझा करने का बताने का प्रयास करती है कि एक जैसे कौन कौन कहां कहां पर है। यह डायग्राम आपके काम आएगा, आप चाहते इसके स्क्रीनशॉट रख लें आप लोग। अब फिर बायोमास क्या है, अभी हम लोगों ने बायोम पढ़ा, अब बायोमास जान लेते हैं। अब देखिए बायोमास पारिस्थितिकी में एक निश्चित समय में किसी दिए गए क्षेत्र या पारिस्थितिकी तंत्र में जीवित जैविक जीवों का द्रव्यमान है। ध्यान दीजिएगा, बायोमास क्या है, पारिस्थितिकी में एक निश्चित समय में किसी दिए गए क्षेत्र या पारिस्थितिकी तंत्र में जीवित जैविक जीवों का द्रव्यमान है जिसे मीट्रिक टन कार्बन या कार्बन प्रति हेक्टेयर में मापा जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक, जैसे गार्बेज है, क्रॉप्स है, वुड है, लैंडफिल गैस है, तो यहां पर आप इसे देख सकते हैं, बायोमास इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बायोमास उत्पादकता, अब देखिए यहां पर बायोमास उत्पादकता वन पारिस्थितिक तंत्र की आयु में बायोमास प्रति इकाई क्षेत्र को विभाजित करके निर्धारित की जाती है, यहां पर भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे डायग्राम देखिएगा, यहाँ पे देखिए सोलर एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे बायोमास है, फिर यहाँ देखिए प्री प्रोसेसिंग है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक, यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल रहा है, देखिए निकल रहा है ना, ये कैसे है, ठीक है, यहाँ पे देखिए सोलर एनर्जी है, यहाँ पे ये बायोमास है आपका, ये देखिए शुगर है यहाँ पे आपका, देख रहे हैं यहाँ से, यहाँ शुगर क्या निकल रहा है, यहाँ देखो ये बायोफ्यूल है, ठीक, जैव ईंधन हो गया, यहाँ से देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, इससे जहाज उड़ रहा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, ये गाड़ी चल रही, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ देखिए प्रोसेसिंग हो रही है, यहाँ कल्क्लूजन हो रहा है, यहाँ हार्वेस्टिंग हो रही है, और यहाँ सोलर एनर्जी से देखिए आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड, बायोमास। तो यहाँ पृथ्वी को परिभाषित किया गया इस डायग्राम में, ठीक। आगे हम लोग देखेंगे शुद्ध प्राथमिक उत्पादक किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह परपोषी उपयोग के लिए उपलब्ध बायोमास की कुल मात्रा है, यह परपोषी उपयोग के लिए उपलब्ध बायोमास की कुल मात्रा है, सोलर एनर्जी है। अब देखिए यहां समझने का प्रयास करते हैं, सूर्य का प्रकाश यहां से निकला, अब कह रहा है एनर्जी स्टोर हो रही, एनर्जी क्या है, सूर्य का प्रकाश निकला, सोलर एनर्जी निकली, इस एनर्जी को ये पादप है, ये पेड़ पौधे हैं, ये देखिए पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ पौधे करते क्या है, एनर्जी स्टोर कर ले रहे हैं, ड्यूरिंग माने किसके दौरान, जब सूर्य का प्रकाश निकलता है, जब सूर्य निकलता है तो हरे पेड़ पौधे जो है वो करते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, माने एनर्जी स्टोर करते हैं, किस प्रक्रिया के दौरान, प्रकाश संश्लेषण, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस माने प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान वो एनर्जी को स्टोर करते हैं, किसकी एनर्जी को, सूर्य की एनर्जी को, सोलर एनर्जी को, सौर ऊर्जा को, इसे हम हिंदी में कह सकते हैं सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा को। अब इस एनर्जी को दो तरह से करते हैं, एनर्जी यूज पर जो कर कूलिंग का वर्क है उसके लिए हम आर रखेंगे, एनर्जी स्टोर जो कर रहा है आज बायोमास के लिए उसे हम एनपीपी कहेंगे, तो एनपीपी क्या है ध्यान दीजिए, और एनर्जी जो स्टोर उसे जीपीपी कहेंगे, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है जो एनपीपी, नेट प्राइमरी जो प्रोडक्टिविटी है इनकी उत्पादकता है, उसमें क्या करते हैं जीपीपी में से आर को निकाल देते हैं, माने इसमें से हम आर को निकाल देंगे तो हमारे पास यही बचेगा, ठीक, अपने लिए कितना इस्तेमाल करते हैं कितना वो छोड़ते हैं उसी से हमारा एनपीपी निकल जाएगा। ये फार्मूला भी आपकी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा एनपीपी बराबर जीपीपी माइनस आर, ठीक, सीधी सी बात है, जितना एनर्जी उन्होंने लिया है, अब यही पूछ रहा है अगर कि एनर्जी स्टोर्ड एज बायोमास के रूप में कितनी एनर्जी बची है, यही पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, जितनी कुल एनर्जी उन्होंने स्टोर किया था, जितना उन्होंने निकाल दिया यूज किया उसी में से घटा देंगे, आपका निकल जाएगा, बस एक लाइन का है। आगे हम लोग देखेंगे फ्लोरा, बहुत बार सुना होगा, यहां से परीक्षा में खूब झोला भर भर के सवाल आते हैं, फ्लोरा क्या है, एक विशेष क्षेत्र या समय में
मौजूद सभी पौधे आमतौर पर एक प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले स्वदेशी पौधे हैं, माने स्वतंत्र रूप से एक विशेष क्षेत्र के समय मौजूद सभी पौधे आमतौर पर एक प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले स्वदेशी पौधे। अभी नहीं देख सकते हैं फ्लोरा। इस फ्लोरा की खासियत क्या होती है कोई कमेंट करके बता सकता है, आगे हम लोग देखेंगे। फ्लोरा और फना की खासियत क्या होती है, फ्लोरा की खासियत क्या होती है, जितने भी लोग सेशन में पढ़ रहे हैं वो जवाब जरूर देंगे, साथ में नोट्स भी बनाते चलिएगा। अब कह रहा है यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम हमारा आ गया है, इसको भी पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र एक भौगोलिक क्षेत्र है जहां पौधे जानवर और अन्य जीव साथ ही साथ मौसम की अंतःक्रिया, मौसम की अंतःक्रिया द्वारा जीवन संभव होता है। किसके द्वारा? मौसम की अंतःक्रिया के द्वारा जीवन संभव होता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक कारक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक दूसरे कारक पर निर्भर रहता है। माने अगर हम बात करें इस पूरे इकोसिस्टम में तो एक दूसरे पर आश्रित होता है, दूसरा तीसरे पर आश्रित, इसी तरह पूरी पृथ्वी चल रही है। पारिस्थितिकी तंत्र एक व्यापक संभावना है जिसमें एक पारिस्थितिकी तंत्र इसका छोटा सा हिस्सा है। अगर हम बात करें कि पारिस्थितिकी की, तो पारिस्थितिकी एक व्यापक संभावना है, इसमें एक पारिस्थितिकी तंत्र इसका एक छोटा सा क्या है, हिस्सा है। अब बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र है जो आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहा है कैसे होता है। टॉन्सिले, आर्थर टॉन्सिले पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1935 में एजी टॉन्सिले ने किया था, कहा जाता है एजी टॉन्सिले, आर्थर टॉन्सिले ने किया था। सूर्य का प्रकाश पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है और सबसे बड़ा स्रोत है, इसको भी डायग्राम समझाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में प्राकृतिक जंगल, तालाब, रेगिस्तान और मानव उद्यान, चिड़ियाघर आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं खूब झोला भर भर के। आइए इसको समझते हैं इस डायग्राम के माध्यम से। अब इस डायग्राम में देखिए, सूर्य पूरे पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा और प्रमुख स्रोत है। अगर सूर्य ना होता पृथ्वी पर तो क्या होता, सूर्य का प्रकाश ना आता तो क्या होता, जीवन ही संभव नहीं होता। जैसे अन्य ग्रहों पर तो सूर्य का प्रकाश है, कहेंगे सर वहां पर जीवन क्यों नहीं है, उस पर आगे बताएंगे, उस पर आगे चर्चा कर लेंगे। लेकिन सूर्य का प्रकाश न होता तो पृथ्वी पर जीवन संभव ना होता। अब सूर्य निकला, प्रकाश निकला, अब सूर्य की उपस्थिति में हरा पौधा जो था ये क्या किया, फोटोसिंथेसिस किया, मतलब प्रकाश संश्लेषण किया। जब ये प्रकाश संश्लेषण करता है तो जमीन से खनिज लवण मिनरल लिया, ठीक, और यहां से क्या लिया, वायुमंडल से, ये देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ये क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड भी लिया, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, सूर्य का प्रकाश लिया, अंदर से जमीन से खनिज लवण मिनरल लिया, ये तैयार हो गया। और जब तैयार हो गया तो ध्यान दीजिएगा, तैयार होने के बाद मान लीजिए गिर गया या किसी को खा गई, कोई गधा ही खा गई इसको, गधा ही खा के मर गई, गधा खा के मर गया, ये डिकम्पोज हो गया। अब क्या हो गया, जो कोई डेड एनिमल है या वेस्ट प्रोडक्ट होता है, कोई डेड हो जाएगा, कोई जीव जंतु, पेड़ पौधा या कुछ वेस्टेज है कुछ, अभी क्या होगा, ये फॉसिल्स बन जाएगा, फॉसिल्स फ्यूल, माने जैविक ईंधन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, फॉसिल्स फ्यूल, जीवाश्म ईंधन बनेगा, क्या बनेगा, जीवाश्म ईंधन बन जाएगा, जीवाश्म बन जाएगा। अब जीवाश्म से क्या होगा, फिर देखिए यहाँ पे अब इसको तेल को निकाला जाता है, कच्चा तेल को यहाँ गाड़ी में भरा किया जा रहा है, ऑटो फैक्ट्री और इमिशेशन, यहाँ गाड़ियां चल रही हैं, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, फिर ये इसको लेंगी। अब जो जानवर हैं ये भी सांस छोड़ेंगे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और ये ऑक्सीजन छोड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, ये ऑक्सीजन छोड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, और ये ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त कर रहे हैं। इसी प्रकार ये जो पूरा चक्र है वो चलता रहता है, और इसमें सबसे प्रमुख जो रोल अदा करता है वो सूर्य अदा करता है। वो कौन अदा करता है, सूर्य। सूर्य न होता तो जीवन न होता। अब देखिए यहाँ पे CO2 साइकिल भी है, CO2 साइकिल भी समझ सकते हैं, जो भी जो मैंने आपको बताया है कि ये छोड़ेगा, ये लेंगे, फिर ये इस तरह से क्या होगा, CO2 का साइकिल चलता रहता है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड चक्र। अच्छा एक बात ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र क्या, जो प्रकृति ने बनाया है, तालाब प्रकृति ने बनाया, उसका पारिस्थितिकी तंत्र जंगल, रेगिस्तान, तालाब, ये प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। और सबसे बड़ा पृथ्वी पर पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण महासागर है, ये परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और मानव निर्मित क्या है, जो मानव पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है, जैसे चिड़ियाघर जो है सारे जानवरों को लाके पैक कर देता है, कहता है ये भी तो पारिस्थितिकी तंत्र है, लेकिन वो कौन बनाया, मानव बनाया है, तो ये मानव निर्मित होते हैं। उद्यान हो गए, जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, ये मानव निर्मित है, ये मानव ने बनाए हैं, ठीक, ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब अगला है सुपोषण, ये भी पढ़ लेते हैं हम लोग।
सुपोषण कहते हैं, जिसे यूट्रोफिकेशन के नाम से भी जानते हैं, वह प्रक्रिया है जिसमें एक जल निकाय पोषक तत्वों से अत्यधिक समृद्ध हो जाता है, जिससे साधारण पौधों का भरपूर विकास होता है। जल निकाय में शैल और प्लवक की अत्यधिक वृद्धि या प्रस्फुटन इस प्रक्रिया के संकेतक है। आप यहाँ पे देख पड़ते हैं, ये नाइट्रोजन है, ये फास्फोरस है, कैसे देखिए नाइट्रोजन आ रहा है, फास्फोरस आ रहा है, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश निकल रहा है, सेडिमेंट फ्रॉम लैंड ब्लॉक सनलाइट है, ठीक। तो ऑक्सीजन है, जिसे फिर अलगी है, तो अलगी ब्लूम है। तो यहाँ पर ही हम देख पा रहे हैं कि यह जो पूरी प्रक्रिया हो रही है, यहाँ पे इच्छित ध्यान देना है कि न्यूट्रिफिकेशन वह प्रक्रिया जिसमें एक जल निकाय पोषक तत्वों में अत्यधिक समृद्ध हो जाता है, ये साधारण पौधों का भरपूर विकास, मतलब उसे क्या होता है, पौधों का भरपूर विकास होता है। जल निकाय में शैवाल और प्लवक की अत्यधिक वृद्धि से इस प्रक्रिया के संकेतक है, ठीक। इसके संकेतक कौन कौन है, शैवाल और प्लवक की अत्यधिक वृद्धि। थोड़ा सा फास्ट पढ़ाए नहीं तो फिर, प्लवक क्या है, वे सभी प्राणी या वनस्पति जो जल में जल तरंगों या जलधारा द्वारा प्रवाहित होते रहते हैं। जल चक्र के दौरान पौधों में वाष्पीकरण की प्रक्रिया पौधों की पत्तियों पर मौजूद रंध्रों द्वारा की जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन के रूप में जाना जाता है। एक लाइन में समझिए वाष्पोत्सर्जन क्या है, जैसे हमें पसीना होता है, आपको पसीना होता है, ऐसे पौधों को भी पसीना होता है, उसी को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसको समझिए, जैसे जब हमारे शरीर का तापमान औसत तापमान से ज्यादा हो जाता है, जब ज्यादा होने लगता है तो हमें लगती गर्मी होती है, तो हमारे शरीर के जो रोम छिद्र होते हैं ये खुल जाते हैं, इनमें से पानी का फवारा निकलता है। ये फवारा तब तक निकलता रहता है जब तक शरीर का तापमान एक समान ना हो जाए। इसी फवारे को हम पसीना का होना कहते हैं। क्या कहते हैं, पसीना का होना कहते हैं। तो इसी प्रकार पेड़ पौधों की पत्तियों, जैसे गर्मी में रहते हैं, कहते हैं पेड़ के नीचे चलो बड़ी ठंडा हवा चलत बा, सुना होगा अपने, चला पेड़ के नीचे बैठा जाए ठंडा ठंडा हवा चलता हो, हवा तो चलती है लेकिन जब पत्तों के संपर्क में आती है तो पत्तों में क्या निकलता रहता है, वाष्पोत्सर्जन होता रहता है। उसी के संपर्क में आने के बाद हवा क्या होती है, ठंडी हो जाती है। लोग कहते हैं बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वही वाष्पोत्सर्जन की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक। सकल प्राथमिक उत्पादकता क्या है ये भी देख लेते हैं। ये सकल प्राथमिक उत्पादकता क्या है, वह दर जिस पर कार्बन पदार्थ का उत्पादन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होता है, माने वह दर जिस पर कार्बनिक पदार्थ का जो उत्पादन होता है वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होता है। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, सूर्य की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। नेट प्रोडक्शन हो गया, सेलेब्रेशन लॉस्ट ऑफ द हीट। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन हम कोशिश करें थोड़ा शॉर्ट में पढ़ाने का ताकि कम समय में लोग बेहतर ज्यादा ज्यादा पढ़ ले, क्योंकि प्रश्नों का ट्रेंड जो है ना आजकल अब नए तरह हो गए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अपघटन, डिकम्पोजर, अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। अपघटन क्या है, जैसे कोई गधे अगर मर गई तो कुछ दिन बाद क्या होगा, कोई कुतिया मर जाए, कोई कुत्ता मर जाए, कोई गधा मर जाए, कुछ दिन बाद एक दो दिन बाद बदबू करने लगता है, डिकम्पोजर लगेगी, बदबू करने लगेगा, फिर मोटा होगा, फूलेगी बॉडी, फिर पचकेगी, फिर गायब हो जाएगा, उसी को हम कहते हैं अपघटक। डिकम्पोजर कैसे लगते हैं, डिकम्पोजर वो जानते हैं। जटिल कार्बनिक पदार्थों का अकार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, पोषक तत्वों से टूटना, और इस प्रक्रिया को अपघटन कहा जाता है। जैसे कहा जाता है मनुष्य 5 तत्वों से मिलकर बना है, सुना होगा आप लोगों ने महाभारत, अगर आपने देखा होगा, श्री कृष्ण देखा होगा तो याद है कि मनुष्य का शरीर 5 तंत्रों से मिलकर बना है। पंचतत्व में कहते हैं विलीन हो जाना, माने जब किसी की डेथ होती है तो यही प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के तहत ये क्या होते हैं, सारे जितने भी मिनरल्स होते हैं हमारे शरीर में वो टूटकर अलग अलग हो जाते हैं और जमीन में मिल जाते हैं। फास्फोरस अलग, नाइट्रोजन अलग, जो जो भी हमारे अंदर होता है, चाहे फास्फोरस हो चाहे नाइट्रोजन हो, वो सब जमीन में मिल जाता है, वो इसी तरह सारे फॉर्म में टूट जाते हैं, और टूटने के बाद सारे एलिमेंट अलग अलग हो जाते हैं, फिर जमीन में मिल जाते हैं, फिर जमीन में पेड़ पौधे होते हैं, फिर एलिमेंट को लेते हैं, फिर खाते हैं, ये प्रक्रिया पूरी तरह से चलती रहती है। तो यही हमारा क्या हो गया, अपघटन। अब क्या है, अपरदाहारी, अपरदाहारी क्या है ये जान लेते हैं। अपरदाहारी माने जिसे हम डेट्रीटिवोर्स को या डेट्रियोफेज के रूप में भी जाना जाता है, ये परपोषी क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, जो पौधों और जानवरों के मृत कार्बनिक भागों को सीधे सेवन करके पोषण तत्व प्राप्त करते हैं। इसमें कीड़े, केकड़े, दीमक, भृंग, तिलचट्टे, घोंघे, स्लग और
मिलीपेड शामिल है, आप इनको चित्र में देख सकते हैं, जिन्हें हम डेट्रिटिवोर्स के नाम से जानते हैं, डेट्रिटिवोर्स के नाम से हम इन्हें जानते हैं। अब लीचिंग है, ये भी जान लेते हैं लीचिंग क्या है। लीचिंग वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मिट्टी में विद्यमान घुलनशील संघटक पानी में घुल जाते हैं और रिसते हुए पानी के साथ मिट्टी से होकर नीचे अस्तरप हो जाते हैं। लीचिंग यही है, जब बारिश हो रही है ये पेड़ पौधे हैं, अब यहाँ पे जो रंध्र होते हैं इसके अंदर के, उसके माध्यम से पानी के साथ साथ जमीन के नीचे चले जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं। माने वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मिट्टी में विद्यमान घुलनशील संघटक जो है पानी में घुल जाते हैं और रिसते हुए कहाँ चले जाते हैं, पानी के साथ मिट्टी के अंदर नीचे स्तर में पहुंच जाते हैं। अब अपचय क्या है देख लेते हैं, ये एनर्जी हो गया, ये कैटाबॉलिज्म हो गया। बैक्टीरियल और फंगल एंजाइमों अपरद को सरल कार्बनिक पदार्थ में विघटित करने की प्रक्रिया को अपचय कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपकी परीक्षा में सवाल आ चुके हैं और आने की पूरी संभावना है, ठीक। चाहे तो इसका डायग्राम भी आप देख सकते हैं। अगला है नमीकरण, नमीकरण क्या ये भी देख लेते हैं। नमीकरण क्या होता है, ह्यूमिडिफिकेशन कहा जाता है, इसका मतलब क्या है, नमी या ह्यूमस बनना। ह्यूमस को अगर हम समझाएं तो जैसे एक छोटा सा घर पे बड़ा सा एक छोटा सा थाली जैसा बड़ा सा थार ले लीजिए, थार जानते होंगे आप लोग, बड़ा सा आता है या मिठाई वाला जो होता है, उसे कुछ मिट्टी रख दीजिए, पेड़ लगा दीजिए, छोटे छोटे पौधे, जब पौधे बड़े हो जाएं 2-3 महीने बाद खाद पानी देते रहिए, उसके बाद एक दिन क्या करिए, उस पूरे तसले में पानी डालिए और पानी को किसी साफ जार में रखिए, तो पानी काला होगा। दूसरे में करेंगे बॉटल एक बार डालिए, फिर एक डब्बे में रखिए, फिर एक डब्बे में रखिए, तो जो उसमें पानी में कालापन होता है उसी को ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस एक काला अनाकार पदार्थ है जो सूक्ष्म दीयों द्वारा मृत और सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से उत्पन्न होता है। प्रकृत रूप से जो होता है वो मैंने आपको बता दिया, बाकी यहाँ पे देखा कैसे बनती है उसकी पूरी प्रक्रिया ह्यूमस की। अब पढ़ते खनिजीकरण। खनिजीकरण कार्बनिक पदार्थों को खनिज पोषक तत्वों में बदलने के संदर्भित करता है जो पौधों द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाते हैं, जबकि स्थितिकरण मिट्टी के रोगाणुओं द्वारा खनिज उत्थान और कार्बनिक पदार्थों में रूपांतरण को संदर्भित करता है जो पौधों के लिए क्या है, अनुपलब्ध है। जो पौधों के लिए क्या है, अनुपलब्ध है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन फिर भी रख सकते हैं। अब पढ़ते हैं मौतम। ये मौतम क्या होता है, कुछ लोगों ने पहली बार सुना होगा, कुछ लोग इसके बारे में जानते होंगे। अब देखिए पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मेलोकेना बेसिफेरा बांस के फूल के दौरान चूहे के संक्रमण के कारण होने वाले अकाल मौतम या अकाल के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक 48 वर्षों में बांस के फूलों की एक विशेष प्रजाति जिसके बाद चूहों की आबादी बहुत अधिक हो जाती है और इसे चूहे की बाढ़ या मौतम या बांस की मौत कहा जाता है। चूहों की यह बाढ़ पूरे गांव, फसल और खेत की उपज को नष्ट कर देती है, माने चूहों की संख्या खूब बढ़ जाती है, इसी को हम मौतम के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको शायद कहीं मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो आप स्क्रीनशॉट इसकी कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कुछ लोगों को पहली बार भी मिला होगा। रेड लिस्ट, ये रेड लिस्ट क्या है इसे भी हम लोग जान लेते हैं। रेड लिस्ट को जब भी आप देखेंगे तो ये होता है IUCN। ये रेड डाटा बुक जो होता है ये IUCN जारी करता है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेशन। अब यहाँ पे देखिए इसका फुल फॉर्म कहीं नहीं दिया है, तो इसका फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा, ये परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ ले जाते हैं। रेड डाटा बुक श्रेणियों मापदंडों का उद्देश्य वैश्विक विलुप्त होने के उच्च जोखिम वाली प्रजातियों को वर्गीकृत करना, माने जो विलुप्त होने वाली प्रजातियां उन्हें वर्णित करने का काम रेड डाटा बुक में करता है। और रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, IUCN जारी करता है, और व्यापक से प्राणी, और ये इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। IUCN का फुल फॉर्म मैंने बता दिया है, आप चाहे से लिख लीजिएगा, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब रेड डाटा बुक के कुछ लिस्ट हैं, आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोग टेलीग्राम पर अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जरूर जुड़िएगा। टेलीग्राम पर आप जुड़ेंगे ना तो सभी क्लास की नोट्स, लिंक और वीडियो लेक्चर भी आप सभी को मिल जाएगी। अब देखिए यह प्रजातियों को 9 श्रेणियों में विभाजित करता है, एक अनाकलित, अपर्याप्त आंकड़े, संकट मुक्त, खतरे के कगार पर, जो शुभेद्य है, विलुप्त होने का कगार पर, गंभीर रूप से विलुप्त प्राय, जंगल में जो विलुप्त है और विलुप्त, इस प्रकार से यह कुल 9 भागों में विभाजित करता है। यह भी आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि कौन सा नहीं है, कौन सा है और कितने भागों में विभाजित किया जाता है।
रेड लिस्ट क्या है ये भी देख लेते हैं हम लोग। रेड लिस्ट में गंभीर रूप से विलुप्त प्राय प्रजाति के कुछ उदाहरण है, जैसे पिग्मी हॉग जिसे हम पोर्कुला सल्वानिया कहते हैं, कोडाना रेट मेल्डानिया कोडाना है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये देखिए एडिस्टिनी ग्रेटस के नाम से जाना जाता है, ये भी आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है कि कौन सा इसमें विलुप्त प्राय के राह पे है, और साइबेरियन क्रेन है, भारतीय गिद्ध है, घड़ियाल है, लेद बैंक टर्टल है, टाइगर टॉड है, गंगा सार्क है, फायर कोरल है। तो ये ऐसे 10 हैं जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसके स्क्रीनशॉट रख ले, चाहे आप इसे नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में भी लिख लीजिएगा। पोषक चक्र क्या होता है ये भी समझ लीजिएगा। एक पाचकी तंत्र के विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों का आवाजाही को हम पोषक चक्रण के रूप में जानते हैं और कहते भी हैं। पोषक चक्रण एक अन्य नाम है भू रासायनिक चक्र, जिसमें जैव जीवित जीव भू चट्टान वायु जल का इनका जो पूरा चक्रण होता रहता है। पोषक चक्र के दो प्रकार होते हैं, एक गैसों का चक्रण होता है और एक औषधि सेडिमेंट्री का होता है। ठीक, यहाँ पर ऊपर डायग्राम बना है, अगर आप चाहें तो दिखा देंगे और समझा देंगे, काफी लंबा टॉपिक हो जाएगा, इसको बताएंगे तो काफी लंबा, क्योंकि मुझे ज्वालामुखी भी समझाना पड़ेगा। अब यहीं पे देख लीजिए, यहाँ पे जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, ये एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हुआ, अब देखिए जब यहाँ से ज्वालामुखी उद्गार हुआ या जब चिमनी जल रहा है तो यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गाड़ियां चल रही, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, पेड़ पौधे इस आग को ले रहे हैं, लेकिन अब इसको जो गाय भैंस है जो जीव है वो सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। फिर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं में देखने को मिलता है कि जो एनिमल्स हैं वो भी जल के गुलक से इनको खींच लेते हैं। तो इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया को यहाँ पर दिखाने, क्योंकि काफी लंबा टॉपिक हो जाएगा अगर मैं समझाने का, क्योंकि वीडियो ऐसे भी काफी बड़ा हो गया है, लगभग 40 मिनट की क्लासेज हो चुकी हैं आपकी। पोषक चक्रण ये क्या है, गैसी प्रकार के पोषक चक्रण की बात करें, जैसे नाइट्रोजन है कार्बन चक्र के लिए भंडार वायुमंडल में मौजूद, और औषधि गैस, औषधि चक्र क्या है जैसे सल्फर फास्फोरस चक्र के लिए पृथ्वी की ऊपरी परत में ये सब स्थित है। अगला है देखिएगा क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या है, क्लाइमैक्स क्लाइमैक्स बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, जान लेते हैं। एक पादपी समुदाय जिसमें पौधे या जानवरों की आबादी स्थिर रहती है और एक दूसरे के साथ और अपने पर्यावरण के साथ संतुलन में रहती है। उदाहरण की अगर हम देखें तो टुंड्रा घास के मैदान रेगिस्तान पर्णपाती शंकुधारी उष्णकटिबंधीय वर्षावन, माने एक पादपी समुदाय जिसमें पौधे जानवर की आबादी स्थिर रहती है, न बढ़ती है न घटती है, एक दूसरे के साथ अपने पर्यावरण के साथ क्या होते हैं ये संतुलन भी क्या होते हैं बनाए रखते हैं, जिसका उदाहरण आप लोगों ने देख लिया। शेरे क्या होता है ये जान लेते हैं, यहाँ देखिए एग्जाम्पल के तौर पर दिया, फॉरेस्ट है, डिजर्ट है, ग्रासलैंड है और कोरल रीफ है, मतलब ये जहाँ जैसे हैं वैसे ही बनाए रहते हैं इसको, पर्णपाती शंकुधारी वन रेगिस्तानी उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ठीक है, ये सब इसके उदाहरण है। समुदाय देखिए अब क्या है, शेरे समुदायों का संपूर्ण क्रम जो किसी दिए गए क्षेत्र में क्रमिक रूप में क्या है बदलता रहता है, देख रहे हैं क्लाइमेक्स है, वुडलैंड है, मार्श मेडो है, सीप स्वाम है, फ्लोटिंग लिप्ड है, तो ये क्या है समुदाय का संपूर्ण क्रम जो किसी दिए गए क्रमिक रूप में ये बदलता रहता है समय परिस्थिति के आधार पर, देख रहे हैं ना ये बदल रहा पूरा। हाइड्रार्च सक्सेशन, जो हाइडार सक्सेशन है ये गीले क्षेत्रों में, ये कहाँ होता है ये गीले क्षेत्रों में होता है, ये गीले क्षेत्रों में होता है, और जो सक्सेशनल है श्रृंखला हाइड्रिक से मेसिक स्थितियों की ओर क्या होती है धीरे धीरे करके बढ़ती है। ये काफी लेंदी टॉपिक है, लेकिन इसलिए कर दें क्योंकि आजकल का जो पेपर का ट्रेंड है कब कहाँ सवाल घुस के पूछ ले कहा नहीं जाता। जेराक सक्सेशन क्या है ये भी जान लेते हैं, माने जेराक सक्सेशन शुष्क क्षेत्रों में होता है और श्रृंखला जेरिक से मेरिक स्थितियों की ओर बढ़ती है। पायनियर प्रजातियां क्या होती है ये भी देख लेते हैं, पायनियर प्रजातियां कठोर प्रजातियां हैं जो पहले बंजर वातावरण या पहले जैव विविध स्थिर स्थिति पारिस्थितिकी तंत्रों को उपनिवेशित करती हैं जो बाधित हो गए हैं, जैसे कि जंगल की आग। सामान्य उदाहरणों में देखें तो बैक्टीरिया है, लाइकेन है, मांस और कवक शामिल होते हैं, मतलब पायनियर प्रजातियां कठोर प्रजातियां हैं जो पहले बंजर वातावरण या पहले जैव विविध स्थिर स्थिति में पारिस्थितिकी तंत्रों को उपनिवेशित करती हैं जो बाधित हो गए, जैसे कि जंगल की आग हो जाती है, इसको रोक देती है। उदाहरण देखते हैं, बैक्टीरिया है, लाइकेन, मांस, कवक इसमें शामिल होते हैं। अब क्या है स्टैंडिंग रेट क्या होता है, किसी समय मिट्टी में मौजूद कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस कैल्शियम आदि जो पोषक तत्वों की मात्रा को हम स्टैंडिंग रेट कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में पूछा गया है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टैंडिंग रेट का मतलब नहीं जानते, सोचते हैं आखिर ये किस रेट की बात कर रहा है, ये परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अनुकूलन क्या है जिसे हम अंग्रेजी में एडॉप्शन कहते हैं,
अब ये किसी भी जीवधारी को स्वतंत्र रूप से रहने की जो प्रमुख भौगोलिक दशाएं होती हैं उससे हम एक तरह से अनुकूलन कह सकते हैं। इसमें क्या है, जैसे वह अनुकूलन वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने पर्यावरण के आधार पर अनुकूलन परिवर्तन करता है। एक एग्जाम्पल अगर हम अपने आप को दें, ठंडी में इंसान को मोटा हो जाता है, गर्मी में पतला हो जाता है, ठंडी पड़ती मोटे मोटे कपड़े पहन लेता है तो अपने आप को ढाल लेता है ना, और जो नहीं ढाल पाएगा वो विलुप्त हो जाएगा, ठंडी मार देगी, पता चला बैकुंठ चला गया, पूरी बढ़ जाएगी। खूब गर्मी पड़ेगा, अगर कोई मोटा मोटा कपड़ा पहना ठंडी वाला तो पता चला उसको गर्मी मार जाएगी, ठंडी में ठंडी मार देगी, गर्मी से गर्मी मार देगी। तो वही है, समय और परिस्थिति के साथ आधार पर, पर्यावरण के आधार पर हमें क्या करना, बदलना होता है। एक जीव इस तरह के अनुकूल होगा जिससे जीव की जीवित रहने की क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। एक ऊंट शारीरिक रूप से एक कोबड़ के लिए अनुकूलित हो गया है जो अतिरिक्त चर्बी जमा कर लेता है। अगर ऊंट रेगिस्तान में रहता है तो वो अपनी चर्बी का इस्तेमाल करता है किस समय, जीवित रहने के लिए पानी के रूप में, तो अनुकूलित कर लिया, नहीं तो रेगिस्तान में रह पाएगा, मर जाता बेचारा। और आगे चलते हैं, इसमें भी क्या होते हैं, रूपात्मक अनुकूलन होते हैं, व्यवहारिक अनुकूलन होते हैं, शारीरिक अनुकूलन होते हैं, ठीक। इसमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के हैं, टुंड्रा के हैं, डिजर्ट के हैं, ये एनिमल देयर हैबिटेंट। रूपात्मक अनुकूलन क्या है, यहां भी देख लीजिए आप, माने रूपात्मक अनुकूलन एक जो रूपात्मक अनुकूलन है एक संरचनात्मक परिवर्तन है जो एक जीव को अपने निवास स्थान में जीवित रहने या अधिक मौका देता है। ठीक, जिराफ की गर्दन लंबी हो गई, यह इसका एक प्रमुख उदाहरण है। मतलब एक रूपात्मक अनुकूलन एक संरचनात्मक परिवर्तन है जो जीव को अपने निवास स्थान में जीवित रहने के लिए ज्यादा ज्यादा मौके देती है। जैसे जिराफ की गर्दन लंबी होगी, पहले वो घोड़े की तरह रहा होगा कदे की तरह, फिर धीरे धीरे उठता गया खाने के लिए ऊपर के फल को, पत्तियों को, बढ़ते 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 जिराफ गर्दन क्या हो गई, खूब लंबी सी हो गई। तो ये कैसा हो गया, रूपात्मक अनुकूलन हो गया। दूसरा क्या है, व्यवहारिक अनुकूलन। इसमें क्या है, ये है बिहेवियर एडाप्शन है। इसमें व्यवहारिक अनुकूलन व्यवहार में परिवर्तन है जो कुछ जीव या प्रजातियां एक नए वातावरण में जीवित रहने के लिए उपयोग करती हैं। पक्षी कोशिकाओं में परिवर्तन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ पे कुछ पक्षियों के नाम हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, उनके डायग्राम। शारीरिक अनुकूलन क्या है, शारीरिक अनुकूलन के आंतरिक परिवर्तन जिससे जानवर और पौधे अपने पर्यावरण में अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए करते हैं। नाइटशेड जैसे पौधों ऐसे गुण विकसित हो गए जो जहरीले हैं और अन्य जीवों के लिए घातक हैं यदि पौधे को निगलते हैं। कुछ ऐसे पौधे हैं जो जीवों को निगल जाते हैं, उनके नाम बताइएगा। कुछ ऐसे हैं जो जहरीले पदार्थ को भी छोड़ते हैं ताकि अपने आप को वो बचा कर रख सकें। पशुधन गणना, पशुधन गणना क्या है, आइए हम लोग देख लेते हैं कितने टॉपिक बची है। बड़ी अच्छा है, बस खत्म, मतलब जैसे सोचे कितनी बची वैसे खत्म हो गया। अच्छा, ये जानते हैं ये पशुधन क्या है, पहले इसको जान लेते हैं। ये पशुधन गणना क्या है, यह कि टॉपिक है, इसी में जुड़ा हुआ है। कृषि मंत्रालय के तहत पशुपालन सांख्यिकी प्रभाग द्वारा 5 वर्षों में एक बार पशुधन गणना आयोजित की जाती है। अगर नवीनतम जनगणना 2019 में की गई थी, इसका उद्देश्य पशुपालन और पशु चिकित्सा के क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों की योजना बनाना और तैयार करना था। यहाँ पे कुछ डेटा है 2019 का, आप देख सकते हैं, ठीक, आपके साथ परीक्षा में काम आ जाए। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप लोग, नहीं दिख रहा है, मैं जूम कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, अब स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, फट रहा है क्या, चलिए और जूम कर दे, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। भारत दुनिया के सबसे ज्यादा पशुधन मालिक, भारत क्या दुनिया के सबसे ज्यादा पशुधन मालिक है। ये दुनिया में भैंस आबादी में पहले स्थान पर है, भैंसिया जानते हैं ना, भैंस आबादी में पहले स्थान पर है। बकरी और मछलियों की आबादी में दूसरे स्थान पर है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पोल्ट्री बाजार जो है ऊंटों की आबादी में 5वें स्थान पर है। देखिए दुनिया दूसरा सबसे बड़ा पोल्ट्री बाजार है भारत, और ऊंटों की आबादी में 5वें स्थान पर है। इसी के साथ देखिए देश में कुल पशुधन आबादी 536.76 मिलियन है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कुल पशुधन आबादी क्रमशः 514.11 मिलियन है, 22.65 मिलियन है, जिसमें ग्रामीण हिस्सा इतना है 95.78% और शहरी हिस्सा 4.22%। इसी के साथ थैंक यू, आज का सेशन यहाँ पे समाप्त हो गया है। और आप लोग क्लास और नोट्स के लिए इन नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, और टेलीग्राम पर आप सब अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं दुर्गेश सर सर्च करके लर्निंग पे दुर्गेश पर जुड़िएगा। सभी क्लास की लिंक और वीडियो आपको टेलीग्राम पर मिलती रहेगी। अगर इस वीडियो को इस यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा,
वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को फॉलो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा, और हाँ इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को साथियों को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक ये पहुंच जाए। इसकी अगली सीरीज भी आपको मिल जाएगी, जल्दी मिल जाएगी, ताकि हम इस सेशन के साथ एक एक करके क्रमवार रूप से पूरे पर्यावरण की टॉपिक को मजबूती से पकड़ बना के रखें, क्योंकि पर्यावरण हम उन्हीं टॉपिकों तथ्यों को पढ़ रहे हैं जो आपके लिए नए हैं। कुछ तथ्य आपको ऐसे लगेंगे जो पुराने हैं, कुछ नए हैं, क्योंकि परीक्षा में नए सवाल आ रहे हैं, ट्रेंडिंग सवाल है, पुराना बहुत सारा पढ़ चुके और रट चुके हैं। हो सकता है सीरीज आपकी परीक्षा में काफी काम आ जाए, इसलिए आप इसकी जहां जरूरत पड़े स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, जहां पड़े नोट्स बनाने के नोट्स बना लीजिएगा। वैसे इसकी नोट्स भी, ये तो पढ़ाने के लिए था, इसकी जो स्पेशल नोट्स है वो भी आपको मिल जाएगी, पीडीएफ में घर बैठे भी मंगा सकते हैं। और इस वीडियो को जहां भी देख रहे हैं शेयर जरूर करिएगा, अगर आपको कोई सवाल है, कोई सुझाव है, वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करिएगा। आपको क्लास या सेशन कैसी लगी, अगला सेशन में आप कौन से टॉपिक पढ़ना चाहते हैं पर्यावरण की सीरीज में, इस वीडियो के सेशन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार वीडियो को यहां तक बने रहने के लिए, थैंक यू। बस वीडियो को शेयर करते जाइएगा, लोगों तक पहुंचाते जाइएगा। अगर आपको लग रहा है ये वीडियो आपके काम का और अच्छा लगा, मैंने मेहनत की है, तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, थैंक यू।